तो जम्मू कश्मीर में एवलांच तबाही मचा रहा है। 12 लोगों की मौत हो चुकी है। अलग अलग जगहों पर एवलांच की वजह से 6 जवान शहीद हो गए हैं, जबकि 6 नागरिकों की जान गई है। ये एवलांच है, यानी बर्फीला तूफान। दूर से देखने में खूबसूरत, लेकिन फंस गए तो जान बचाना मुश्किल। पिछले 3 दिनों से जम्मू कश्मीर और लद्दाख में एवलांच ने भारी तबाही मचाई है। सेना के जवान से लेकर आम नागरिक इसकी चपेट में आकर अपनी जान गंवा रहे हैं। गांदरबल में एवलांच के बाद की तस्वीर देखिए। एवलांच के बाद चारों तरफ बर्फ की मोटी परत जम गई। जवान रेस्क्यू के काम में लगे हैं। जिस वक्त रेस्क्यू का काम चल रहा था, उस वक्त भी आप कैमरे के लेंस के आगे तेज चल रही हवाओं में बर्फ उड़ती देख सकते हैं। गांदरबल में 0 से 12 डिग्री नीचे तापमान चल रहा है। गांदरबल में कुलन इलाके में आए बर्फीले तूफान में 5 नागरिकों की मौत हो गई, जिसमें एक पिता और बेटा भी शामिल है। प्रशासन ने लोगों को होशियार रहने को कहा है। पेडेस्ट्रियंस थे, वो उसकी चपेट में आ गए, 9 लोग उसमें दब गए और इमीडिएटली लोकल्स पुलिस पार्टीज वहां पहुंची, तो इनिशियली 4 लोगों को जिंदा वहां से निकाल लिया गया। सबसे ज्यादा नुकसान कुपवाड़ा के माछिल सेक्टर में हुआ। सोमवार को यहां बर्फ का पूरा पहाड़ खिसक गया। माछिल में सोमवार को आए एवलांच में सेना के 4 जवान शहीद हो गए, जबकि नौगाम में बीएसएफ का 1 जवान बर्फीले तूफान में शहीद हो गया। 48 घंटों में जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में एवलांच आया। गांदरबल, माछिल, गुरेज, नौगाम, तंगधार में बर्फीले तूफान ने तबाही मचाई। मछेल, रामपुरा, उड़ी, नौगाम, गुरेज, इन सभी सेक्टरों पर भीषण हिमस्खलन हुए हैं। वहीं मध्य कश्मीर के गांदरबल के कुलन इलाके में भी एक बहुत बड़ा हिमस्खलन देखने को मिला है। अब आपको बांदीपुरा के गुरेज सेक्टर की तस्वीर दिखाते हैं। यहां बर्फीला तूफान आने से कई घर तबाह हो गए। भारी बर्फबारी के कारण कुपवाड़ा, बांदीपुरा और बारामूला जिले में कई घरों को नुकसान पहुंचा है। गुरेज के बांदीपुरा में 1 नागरिक की मौत हो गई, जबकि 7 लोग घायल हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। गुरेज सेक्टर में कई मवेशी भी मारे गए हैं। भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनकी जिंदगी बचे और पूरी कोशिश हो रही है कि उनको रेस्क्यू करने की। तुलाल गुरेज में भी एवलांच आया। यहां आर्मी के एक पॉटर की जान बचाई गई। एक प्राइवेट रेस्टोरेंट भी एवलांच की चपेट में आ गया। उत्तरी कश्मीर के तंगधार सेक्टर के अजीत पोस्ट पर बर्फ की पहाड़ी खिसकने से 6 जवान दब गए। 1 जवान की मौत हो गई, बाकियों को बचा लिया गया। बर्फ में फंसे जवानों को रेस्क्यू करने के लिए वायुसेना की मदद ली जा रही है। उधर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में भी एवलांच ने भारी तबाही मचाई है। पीओके में 64 लोगों की मौत हो चुकी है। बलूचिस्तान में 26 लोग मारे गए और गिलगित बाल्टिस्तान में 5 लोगों की मौत हुई। खालिद हुसैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।